बस और कार की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है। हादसा खुकुनंदू चौराहा के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुछ दूर भागलपुर से देवरिया की तरफ आ रही तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें, बस और कार की टक्कर की वजह से हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। घायल लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता रहे हैं लोग कि एक कार जो अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई है, जिसमें 5 लोग, एक महिला है ना, एक की मौत हुई है। बस और छोटी कार में एक्सीडेंट हुआ हमने सामने का। क्या करती थी? और ये बेसिक शिक्षा परिषद में ये कलर्क के रूप में काम करती थी। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस में जोरदार घमासान मच गया है। कांग्रेस की बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी बबली चौधरी के पति सुशील चौधरी ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुशील ने दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालने की जोरदार मांग कर डाली है। साथ ही सुशील चौधरी ने कहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र चौधरी को दो जिला पंचायत सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है, इस वजह से उन्हें तुरंत ही नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीटें थी ना, 7 सीटें उन्होंने फ्री छोड़ रखी थी कांग्रेस की, और कुछ 2-4 आपसी मन मुटाव की वजह से या गुरुबाजी की वजह से थोड़े हारे हैं। वह भी है हमारे कांग्रेसी, निर्दलीय ज्यादातर हमारे ही है। माननीय अध्यक्ष जी का मुख्यमंत्री के पास जाएगी और मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई है। जो भी मान लो जिसकी कोई गलती होगी वो मान लो हाईकमान के साथ रिपोर्ट जाएगी। वो अकेले कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पार्टी का कैंडिडेट था उसके खिलाफ जिनने कार्रवाई मुखालफत करी उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिन दातेदारी ने काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें पार्टी से उनका दातेदारी वापस। निश्चित रूप से गलत तरीके से बंटे हैं, चाहे इसकी समीक्षा कर लें। अपने चेहतों को टिकट दिए हैं और उनकी जमानतें जब्त होगी। खुद में भी दोनों अध्यक्ष चुनाव में, उनकी पत्नियां चुनाव में हार गए, खुद भी है चुनाव हार गए। बेड़ा गर्क करने में चौधरी अश्वीर सिंह, गौरव चौधरी, चौधरी राजेंद्र सिंह लगे हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया और उसमें मास्टर सतपाल भी लगा हुआ। इन्होंने चारों ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया और पार्टी के सभी कैंडिडेटों को हराने का काम करा। खुद भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए और जिस प्रकार इन्होंने पार्टी में इनके प्रति रोष, वो आपको सबको पता लग गया। पूरे जिले में पार्टी की इन्होंने जहाँ जहाँ भी जिस सीट वो भी कैंपेन करी, वही सीट उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत। तो वहीं पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद फायरब्रांड हिंदू नेता साध्वी प्राची विवादित बयान सामने आया है। साध्वी का कहना है कि अब सेना में बैठे मुस्लिम अफसरों की जांच होनी चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि कहीं उनके तार पाकिस्तान से तो जुड़े नहीं है। साथ ही उन्होंने आमिर शाहरुख को आड़े हाथ लिया और कहा कि इनके बयानों ने आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, अब आमिर और शाहरुख पठानकोट हमले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। वही पठानकोट आतंकी हमले का जिम्मेदार आजम और ओवैसी को बताया है और कहा कि आजम और ओवैसी जैसे लोगों ने बयान को पठानकोट में शहीद हुए सात जवानों के लिए जितने जिम्मेदार आतंकी हैं उतना ही ये लोग भी हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए। आखिर हमारे सैनिक कब तक मरते रहेंगे? केवल हमारे सैनिकों को मार दिया जाए, उनके सिर काट करके ले जाए पाकिस्तान बार बार धमकी दे बार बार, ये आखिर कार्यप्रणाली इन दिनों सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल निगम संस्थान के ठेकेदार सीवर डालने के नाम पर अवैध तरीके से हितग्राहियों से रूप वसूल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत निगम प्रबंधन से की, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो वहीं आखिरकार ठेकेदार कौन है और किन लोगों के कहने पर सीवर का कनेक्शन के नाम पर रुपयों की उगाही कर रहे हैं, फिलहाल देखना है कि नगर निगम ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं।
कैसे लिए? मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई लिया जा रहा है तो वो गलत है। अगर कनेक्शन लेना है तो वो जल संस्थान कनेक्शन उसको और उनको कनेक्शन देगा। हमारे संज्ञान में नहीं तो ऐसा कोई मामला है और नहीं हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई कनेक्शन दिया जाए। अगर किसी को खुश करना हो या फिर किसी को मनाना हो, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट राज्य में 12 सालों से लोगों की पसंद बना हुआ है। सबसे पहले तो हमारे डी लाउंज परिवार की तरफ से समस्त सभी प्रदेश की बहुत बहुत के हमारी ओर से सबको एक खुशनुमा नया साल मुबारक हो। हमने इस बार 31st पे भी कुछ करने का रखा तो हम शहर में परोसना चाह रहे हैं, उसमें देखो कहाँ तक कामयाबी मिलती है। हम एक अलग सा कुछ करना चाहते हैं अपने शहर वालों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए। जहां तक आप सबका सहयोग मिलेगा वहां तक सफलता देख के काम जाते हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए SMEC Insight के साथ। नमस्कार।